तो सबसे पहले SQL कमांड लाइन आता है, वो ओपन करना है। उसके बाद हमारा जो पासवर्ड रहता है वो डालना है। उसके बाद हमें क्रिएट डेटाबेस करना है, तो लिखना है। हो गया। और उसके बाद 100 डेटाबेस करना है। तो हमारा ये दिख जाएगा यहाँ पे, K4 नाम का है डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमें इसमें से उनको यूज़ करना है, तो लिखना है यूज़ K4। वो डेटाबेस हमारा अब यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद हमें वहाँ पे क्रिएट करना है टेबल, तो इसके लिए लिखना है क्रिएट टेबल, फुल टेबल का नाम। लेडी, और उसमें लिखना है वो जब हम ID नेम वो सब करते हैं वो सब हमें उसमें लिखना है। तो सबसे पहले ID आती है, ID वो इंट में आती है, और वो नॉट नल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो ऑटो में ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, इसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट। और उसके बाद हमें इसमें नेम लेना होता है, तो लिखना है नेम, और नेम होता है वेर कैर, और उसकी वैल्यू होगी समथिंग 55 तक जाएगी, और वो भी नॉट नल होता है। और उसके बाद हमारा ऑक्यूपेशन जो होता है वो भी डाल सकते हैं यहाँ, वो भी वेर केर में ही आता है। वो भी नॉट नल होता है। और उसके बाद हमें हमारी सैलरी एज वो सब डालते हैं, तो अभी हमें यहाँ एज डालते हैं, और वो इंट होती है इंटीजर वैल्यू। और अब जो हमें ID होती है वो प्राइमरी की होती है हमारी। तो ये हमारी क्वेरी, उसमें ये हमारा वाला हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। तो अब दिखते हैं, तो भी है हम उसमें हमारा टेबल देख सकते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, और उसके बाद हमें उसमें हमारी वो वैल्यू डालनी है। तो इसमें लिखना है इंसर्ट इनटू इनटू, और उसमें जो हमारा टेबल का नाम है वो डालना है। उसमें जो हमारा टेबल का नाम था वो था, टेबल का नाम था वो था ST4 नाम करके टेबल था। रेडी, ST4 ही था। हाँ, ST4 नाम का है टेबल है। और उसमें जो जो वैल्यू है वो डालनी है। तो वो वैल्यू होती है जो सबसे पहले हमारा आता है इंट है, तो इंट आता है, इंट में जो वैल्यू हो तो इंट ही ऑटो इंक्रीमेंट होती है। और उसके बाद हमारी नेम आती है, नेम के बाद ऑक्यूपेशन और एज आता है, वो सब हमें यहाँ पे डालना है। तो लिखना है वैल्यू, ये वैल्यू
VALUES वैल्यूज, और उसके बाद हमारे जो आईडी हमें रखना है वो डालना है, तो हम रखते हैं ID 01 अल्प विराम, वो नेम करना है तो नेम में लिखते हैं KAUSHAL, और उसके बाद आती है हमारा ऑक्यूपेशन, आता है ऑक्यूपेशन में हम है डेवलपर, तो यहाँ पे डेवलपर लिखना है खड़ी, और उसके बाद आता है परिणाम, और हमारी एज क्या है, एज है मेरी 20, तो मुझे ये डालना है, और ये ख़त्म करने का, और ए एस है, तो जो अब वो मेरी वैल्यू थी वो टेबल में इंसर्ट हो गई, वो देखते हैं। लेफ्ट रेट फ्रॉम ST4, तो जो मैं यहाँ पे वैल्यू डाली थी वो सब उसमें आ गई, आप देख सकते।